बोलती क्यों नहीं? अब चुप क्यों है आई? पूछिए रास्ते, क्यों आई है वापस यहां? आप सब चुप क्यों हैं? ओह, लगता है आप सबको आदत हो गई है ऐसे घटिया लोगों को सहने की। अरे एक मैं ही हूं जो इस घर की सुख शांति के लिए सबसे लड़ती रहती हूं। जिस दिन इस घर में एक मिनट के लिए भी सुख शांति आ जाएगी ना, उस दिन मैं दिवाली मनाऊंगी। भाई, हम यहां क्या लेने आए हो? भाई, क्या तुमने सही सुना? यहां क्या लेने आए हो तुम? लग तो यही रहा है कि उन दोनों की शादी हो चुकी है। इनफैक्ट मुझे पक्का यकीन। आई एम सॉरी सोनाक्षी, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाई। अरे सब कुछ इतना जल्दी हो गया कि नहीं रही बहनी, ऐसा नहीं हो सकता। आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई होगी। दोनों साथ में घर आए, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि दोनों ने शादी कर ली। काश तुम्हारी ये बात सच होती सोनाक्षी। लेकिन गले में मंगलसूत्र, मांग में सिंदूर, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि उन दोनों की शादी हो चुकी है। हम दोनों ने बहुत देर लगा दी सोनाक्षी, लेकिन तुम चिंता मत करो। आई ने उन दोनों को हेलो सर, तुमने मुझे बहुत दुख पहुंचाया है लक्ष्य, जिसे मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकती। लेकिन अगर सच में तू चाहता है कि मैं तुझे माफ कर दूं, तो मेरी बात मान ले। उसके बाद मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूं सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा चिंटू। सोच समझ कर फैसला लेना बेटा। आज तुम्हें इस अग्नि परीक्षा से गुजरना है और साबित करना है तुम्हारे लिए कौन सा रिश्ता अनमोल है। मैं भी देख लूं तुम्हारे लिए वो आई मायने रखती है जिसने तुम्हें जन्म दिया, पाल पोस कर बड़ा किया, ये लड़की जिसने तुम्हारे आई को धोखा दिया और उसकी ममता के साथ खिलवाड़ किया। सॉरी बेटा, मैं तुमसे बिना कुछ कहे अचानक चली गई। मम्मा प्लीज, आपको सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं। मम्मा मुझे भूख नहीं लगी और अब मुझे आप जबरदस्ती खाने के लिए मत कहना। मैं कुछ देर के लिए अकेला रहना चाहती हूँ। अब मुझे सब कुछ बदला बदला सा नजर आ रहा है, पर सबसे ज्यादा अफसोस तो इस बात का हो रहा है कि मेरी आई मुझे अपने से जुदा होने के लिए कह रही है। मुझे मेरी माँ और मेरा प्यार, इन दोनों में से किसी एक को चुनने के लिए कहा जा रहा है।